आदाब। आज हम बात करेंगे प्रधान सेवक के जरिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनकी आजाद हिंद फौज की 75वीं वर्षगांठ मनाने की। 21 अक्टूबर को हमारे प्रधान सेवक ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनकी आजाद हिंद फौज की 75वीं वर्षगांठ मनाते हुए लाल किला पर तिरंगा लहराया और नेताजी के कारनामों व आजाद हिंद फौज की कुर्बानियों को याद किया। इस मामले में हम प्रधान सेवक की तारीफ करेंगे कि उन्होंने ऐसे मौका पर नेताजी और उनकी इंडियन नेशनल आर्मी को याद किया जब लोग उन्हें और उनकी कुर्बानियों को भूलने लगे थे। हम में से बहुत से लोग हैं जो नेताजी को नहीं जानते और जो जानते हैं वो भी बस इतना कि वो एक फ्रीडम फाइटर थे। हमारी नौजवान पीढ़ी तो नेताजी के बारे में बहुत कम जानती है। बहुत कम लोग हैं जो ये जानते हैं कि मुल्कों को आजाद कराने में अगर एक जाने कांग्रेस की अहिंसा और सिविल बायकॉट मूवमेंट का बड़ा अहम रोल रहा तो दूसरी जानिब नेताजी और उनके फॉरवर्ड ब्लॉक के जोश और जज्बे से भरपूर कुर्बानियां रही हैं। नेताजी ने देश को आजाद कराने की लड़ाई विदेश में लड़ी और इतनी कामयाबी से लड़ी कि भारत में उन्होंने 1943 से लेकर 1945 तक हुकूमत बनाई। आजाद हिंद सरकार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर थी। यह हुकूमत जापान की मदद से सिंगापुर में कायम हुई थी। नेताजी और उनकी इंडियन नेशनल आर्मी की कुर्बानियों से हमारा इतिहास भरा पड़ा है। जरूरत है कि हमारी नौजवान पीढ़ी तक उसे पहुंचाया जाए और बताया जाए कि आज हम किस आजादी में सांस ले रहे हैं वह कितनी कुर्बानियों के बाद हमें मिली है। लेकिन प्रधान सेवक के जरिए नेताजी और उनकी आजाद हिंद फौज को याद करने को हम एक ऐसे हारते हुए जुआरी का आखिरी दांव समझते हैं जो अपनी हारी हुई बाजी को हंगामा खेजी के जरिए पलटने की कोशिश करता है। हमारे ऐसा समझने की वजह यह है कि नेताजी और आजाद हिंद सरकार को याद करते हुए प्रधान सेवक जी का पूरा जोर कांग्रेस को नीचा दिखाने का रहा है, ना कि नेताजी को श्रद्धांजलि देने का। वह कांग्रेस पर उसी तरह हमलावर हुए जिस तरह वह अपने हर प्रोग्राम में होते हैं। उन्होंने नेताजी को बुलाए जाने का ठेकरा कांग्रेस के सर फोड़ते हुए कहा कि एक खानदान के लिए नेताजी को भुला दिया गया। आज मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि स्वतंत्र भारत के बाद के दशकों में अगर देश को सुभाष बाबू सरदार पटेल जैसे व्यक्तित्वों का मार्गदर्शन मिला होता, भारत को देखने के लिए वो स्वदेशी चश्मा नहीं होता तो स्थितियां वो विदेशी चश्मा न होता तो स्थितियां बहुत भिन्न होती। साथियों, ये भी दुखद है कि एक परिवार को बड़ा बनाने के लिए देश के अनेक सपूतों, वो चाहे सरदार पटेल हो, बाबा साहब अंबेडकर हो, उन्हीं की तरह ही नेताजी के योगदान को भी भुलाने का बरसक प्रयास किया गया है। अब हमारी सरकार स्थिति को बदल रही है। बहुत मुमकिन है कि इसमें सच्चाई भी हो, लेकिन इसी के साथ इस सच्चाई से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि हमारे प्रधान सेवक ने नेताजी को इसलिए नहीं याद किया कि वह उनकी कुर्बानियों से मुल्क को रोशनाश कराना चाहते थे, बल्कि यह याद इसलिए थी कि नेताजी और उनकी आजाद हिंद फौज के सप में खुद को खड़ा करके अपने उस इंफेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को दूर किया जा सके जो जद्दोजहद आजादी में उनके रोल ने उनके अंदर पैदा कर दिया है। प्रधान सेवक को उसकी जरूरत इसलिए भी पड़ी कि पिछले 4.5 सालों में उनकी हुकूमत की असलियत और काबिलियत दोनों ही इस मुल्क की आवाम के सामने उजागर हो चुकी है। लोगों की समझ में यह बात आ चुकी है कि उनमें और उनकी टीम के किसी भी मेंबर में हुकूमत चलाने की कोई सलाहियत नहीं है। यह अलग बात है कि बीजेपी के लोग प्रधान सेवक को विष्णु का 11वां अवतार करार देकर उनके नाम का जाप कर रहे हैं, मगर सच्चाई यह है कि ना सिर्फ बीजेपी बल्कि पूरे संघ परिवार के पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी है। मुल्क के अवाम ने बात अच्छी तरह समझ चुके हैं कि इस सुपर रेनबो ने उनसे जिन अच्छे दिनों का वादा किया था उससे अच्छे तो मनमोहन सिंह के वो बुरे दिन ही थे जिनसे डराकर उनसे उनके वोट लिए गए थे। हमारे प्रधान सेवक को भी इस बात का किसी न किसी हद तक एहसास हो चला है कि अब काल चक्र एक बार फिर घूमने वाला है, इसलिए वह देशभक्ति, हिंदू मुस्लिम, हिंदुत्व और भारतीय संस्कृति वगैरह के नारों में उलझाकर आवाम की तवज्जो उन बुनियादी सवालों से हटाने की कोशिश कर रहे हैं जो उसे पूछे जा रहे हैं और 2019 का इलेक्शन आते आते और जोरदार तरीके से पूछे जाने वाले हैं।
प्रधान सेवक और उनके हुकूमत के जरिए आजाद हिंद सरकार का फाउंडेशन डे मनाने और सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि पेश करने का अगर मामूली तजिया यानी कि समीक्षा भी की जाए तो इसके पर्दे से एक ऐसी एहसास कंपनी झांकती हुई नजर आती है जिसमें ना सिर्फ हमारे प्रधान सेवक बल्कि उनकी पार्टी और उनके मात्र संगठन आरएसएस बुरी तरह मुबतला है। यह इंफेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स उस ऐतिहासिक सच्चाई की देन है जिसे आज पूरा संघ परिवार मिलकर बदलना चाहता है लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहा है। वह ऐतिहासिक सच्चाई यह है कि मुल्क की आजादी में इस गिरोह का कोई हिस्सा नहीं रहा है बल्कि उसके उलट ये आजादी के जद्दोजहद में रोड़ा भी अटकाने के मुजरिम रहे हैं। यह गिरोह अंग्रेजों के लिए मुखबिरी करने अपने लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ अपनी ताकत इस्तेमाल ना करके कम्युनिस्टों मुसलमानों और ईसाइयों के लिए बचाकर रखने और सबसे बढ़कर यह कि इस पूरे जद्दोजहद आजादी में अंग्रेजों का साथ देने के अपने माजी से बुरी तरह डरे हुए हैं जिसे दूर करने के लिए यह एक ऐसी देशभक्ति डेवलप करना चाहते हैं जो उनके अतीत यानी कि माजी के दाग को छुपाए और भविष्य में उन्हें सबसे बड़ा देशभक्त साबित करे। और सबसे बढ़कर यह कि जद्दोजहद आजादी में कांग्रेस के रोल को धुंधला कर सके। इनके पास मुल्क को बताने के लिए आजादी के लिए कोई कुर्बानी तो है नहीं इसलिए यह कांग्रेस की आजादी की जद्दोजहद को ही मशकूक बनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन जिस तरह जहालत यानी कि अज्ञानता की कोई हद नहीं होती उसी तरह एहसास कमतरी का भी कोई किनारा नहीं होता। और यह उसी का नतीजा है कि मोदी जी अब सुभाष चंद्र बोस और उनकी आजाद हिंद फौज की कुर्बानियों के पर्दे में अपनी और अपने गिरोह की शर्मिंदगी के दाग को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। इस मामले में खास नुकता नजरिया बनाया जा रहा है कि इस जिमन में मुसलमानों का कोई जिक्र ना हो जबकि यह ऐतिहासिक सच्चाई है कि मुसलमानों की एक बड़ी तादाद सुभाष चंद्र बोस के साथ उनकी आजाद हिंद फौज में शामिल थी। आजाद हिंद फौज में अकबर मोहम्मद जमान कियानी कर्नल शौकत अली अकबर शाहनवाज खान और कर्नल एहसान कादिर वगैरह की कुर्बानियां इतिहास का हिस्सा है। कर्नल शौकत अली ने तो 1944 में मेघालय के मायरिंग में पहली बार हिंदुस्तानी परचम लहराया था लेकिन श्रद्धांजलि पेश करने में इस बात का खास ख्याल रखा गया कि इन मुजाहिदीन का नाम भी ना आने पाए। इसका एक पहलू यह भी हो सकता है कि जिस तरह शहीद भगत सिंह को इस टोले ने यरगमाल बनाकर उन्हें संगी साबित करने की कोशिश की है बिल्कुल उसी तरह अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनकी आजाद हिंद फौज को भी संघ के हरावल दस्ते के तौर पर पेश करने की कोशिश है क्योंकि इनके पास इसके अलावा कुछ नहीं है कि यह दूसरों की कुर्बानियों को अपनी हुसूलियाबी यानी कि उपलब्धता बनाकर पेश करें। इनकी पूरी तारीफ मुजाहिदीन आजादी के खिलाफ साजिशों और अंग्रेजों की मुखबिरी से आलूदा है लिहाजा अब संघ इस तारीख को ही तब्दील करने में मसरूफ है जो उसकी देशभक्ति पर सवालिया निशान लगा रही है। आने वाले लोकसभा इलेक्शन में गैर बीजेपी पार्टियों के बनते अलायंस से संघ बुरी तरह डरा हुआ है और यह उसी डर का नतीजा है कि भागवत जी 6 साल बाद एक बार फिर अपने उसी पुराने राम मंदिर के हथियार को झाड़ फोड़ कर म्यान से निकाल लिए हैं जो उनका आजमाया हुआ है लेकिन इस बार का दृश्य यानी कि सिचुएशन बदला हुआ है और ऐसा लगता है कि अब उस हथियार में भी वह काट नहीं रही जो 6 साल पहले थी। सेंटर में बीजेपी की सरकार बनने से पहले यह हथियार इसलिए भी कारगर था कि बाबरी मस्जिद गिराने वालों के हाथों में सत्ता नहीं थी कि वह राम मंदिर बनाते लेकिन 4.5 साल गुजर जाने पर भी स्थिति जो कि तू बरकरार है लेकिन इस हथियार के इस्तेमाल की प्लानिंग करते हुए संघ इस सच्चाई से अपनी आंखें मूंदने की कोशिश कर रहा है कि मुल्क के आवाम की समस्या राम मंदिर नहीं बल्कि बढ़ती महंगाई बेरोजगारी बदनवानी कारोबार की तबाही किसानों की खुदकुशी और लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ती हुई सूरत हाल है जो ना राम मंदिर बनने से दूर हो सकती है और ना ही खुद को सबसे बड़ा देशभक्त साबित करने से। हमारे प्रधान सेवक के पास यही एक हरबा बचा है कि वह मुल्क के हिंदू और मुसलमानों को हिंदू और मुसलमान देशभक्ति देशद्रोही का सबक एक बार फिर उसी तरह आक्रामक तरीके से याद कराएं जिस तरह वो 4.5 साल पहले करते रहे हैं। ऐसा इसलिए है ताकि मुल्क की अवाम उनसे उनके अच्छे दिनों के बारे में कोई सवाल ना करे उनसे यह ना पूछे कि मुल्क में बेरोजगारी और महंगाई क्यों बढ़ रही है उनसे यह भी ना पूछे कि मुल्क के 70% लोगों की दौलत को वह 1 या 2% अपने उद्योगपति दोस्तों को क्यों सौंप रहे हैं
उनसे यह भी सवाल ना करे कि मुल्क के 2 करोड़ नौजवानों को हर साल देने वाली नौकरियों का क्या हुआ और भुखमरी के मामले में हमारा मुल्क दुनिया के पिछड़े हुए मुल्कों से भी आगे क्यों है। कोई उनसे यह भी ना पूछे कि तरक्की और विकास की जो गंगा उन्होंने बहाई है उसमें आज भी लोग महज आधार कार्ड ना होने की वजह से भात भात कहके क्यों डूब कर मर रहे हैं। ये वह सवालात हैं जिनसे बचने के लिए कभी राम मंदिर का अफ्यूल दिया जा रहा है तो कभी देशभक्ति की खुराक, आजाद हिंद फौज का फाउंडेशन डे और नेताजी सुभाष श्रद्धांजलि भी इसी की एक कड़ी है।